डे। देखिए आपका ये 9 किलो का मशीन है, ठीक है, आईबी का 9 किलो का मशीन है, तो इसके अंदर आपको 18 से 19 कपड़े छोटे बड़े करके डालना है। 1 किलो का मशीन में 18 से 19 कपड़े वो भी छोटे बड़े करके डालना है, ठीक है। ये आपका 1400 RPM की मशीन है, 1 मिनट में 1400 बार रनिंग करता है स्प्रिंट टाइम में, ठीक है। तो 1400 RPM की मशीन है, तो आपका ये इसमें आप कपड़े जब भी डालेंगे ना इसके अंदर, सबसे पहले तो आपको डोर खोलना है, डोर खोलने के बाद इसके अंदर आपका 18 से 19 छोटे बड़े करके कपड़े डालना है, कपड़े चेक करके डालना रहेगा, सेफ्टी पिन स्क्वाइन चाबी वगैरह अच्छे से चेक करके इसके अंदर डाल देना है। 70% कपड़े डालना है, 30% जगह खाली रखना है, जगह थोड़ा खाली रहेगा तो वाश क्वालिटी अच्छा मिलेगा, ठीक है। कपड़े वाश क्वालिटी थोड़ा अच्छा आएगा, और ज़्यादा कपड़े डाल दोगे तो वाश क्वालिटी नहीं मिलेगा, ठीक है। पर वाश पे आपको क्या करना है, जब कपड़े वाश हो जाए तो आपको ये रबड़ को ऐसे खोल के, रबड़ को खोल के इसको साफ करना रहेगा पूरे कपड़े से, साफ कपड़े से इसको रबड़ को ऐसे खोल के बकायदे से क्लीन कर लेना हाफ, ताकि इसके अंदर का कपड़े का मैल वगैरह जाके जम जाता है, तो अच्छे से आपको क्लीन करना रहेगा, ठीक है। इसको क्लीन करना है, पर वाश पे क्लीन करना रहेगा रोज के लिए, ठीक। आप कपड़े डाल दीजिए, कपड़े डालने के बाद इसको डोर को क्लोज कर देना है, डोर क्लोज करने के बाद अभी ये न्यू मॉडल है, ठीक है। तो आप यहाँ से पहले पावर लेना है, देखिए ऑन ऑफ का बटन है, इधर से आप पावर लोगे, पावर लेने के बाद ये प्रोग्राम सेट करने का ये आता है टाइमर, ठीक है। तो आप जिस पे अगर ये टाइमर जैसे घुमाओगे ना, तो यहाँ पर व्हाइट कलर का रेड व्हाइट कलर का लाइट आएगा, देखो देखो इस पे आया। तो पहले ये आता है मिक्स डेली, मिक्स डेली में आपका 9 किलो का मशीन है, तो इसके अंदर इसमें 5 किलो कपड़े डालेंगे, 5 किलो कपड़े का मतलब हो गया आपका 10 से 12 कपड़े छोटे बड़े करके फर्स्ट वाले मिक्स डेली में, नॉर्मल जो घरेलू कपड़े हो इसके अंदर हाफ लोडिंग आप डाल के वॉश कर सकते हो, ठीक है। मिक्स डेली में आपका 40 डिग्री गर्म पानी आता है, 1 घंटे टोटल मशीन चलता है इसके अंदर, ठीक। 1 घंटे पूरा आपका कपड़े वॉश करके रिंग्स करके स्टीम करके टोटल ड्राई ड्रायर करके कंप्लीट दे देगा, ठीक है। इसके बाद आता है कॉटन, कॉटन का आ जाएगा आपका कॉटन वाला प्रोग्राम जो दिया है, इसके अंदर पूरा फुल लोडिंग कपड़े आता है, जैसे कि आपका इसमें पूरा टोटल आ जाएगा 9 किलो कपड़े, 9 किलो मतलब आपका 18 से 19 कपड़े छोटे बड़े डाल सकते हो, ठीक। कपड़े इसके अंदर 2 घंटे जितना टाइमिंग रहेगा टोटल 2 घंटे चलेगा, 1 घंटे 58 मिनट टोटल टाइमिंग रहता है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर 40 डिग्री गर्म पानी आएगा मशीन। इसके बाद आता है सिंथेटिक कपड़े, सिंथेटिक मतलब साड़ी सूट, साड़ी वाले साड़ी वगैरह हो, सिंथेटिक कपड़े चाहे साइट हो कोई भी कपड़े हो, इसके अंदर भी 1 घंटे 58 मिनट मशीन चलेगा, 40 डिग्री गर्म पानी इसके अंदर आएगा, ठीक है। इसके अंदर भी आपका 5 किलो कपड़े इसके अंदर आएगा। इसके बाद आता है बेबी वेयर, बेबी वेयर में छोटे बच्चे वाले कपड़े होते हैं, जैसे आपका छोटा बच्चा है 5 साल तक बच्चा है, तो उसका कपड़े इसके अंदर आप वॉश कर सकते 50 मिनट, सॉरी 1 घंटे 50 मिनट टाइमिंग रहेगा, 60 डिग्री गर्म पानी आएगा इसके अंदर, प्लस ये 800 RPM की स्पीड में चलेगा, ठीक है। 3 kg कपड़े इसके अंदर ऐड होता है। इसके बाद आता है रिफ्रेश, रिफ्रेश का मतलब धुला हुआ कपड़ा, अभी बारिश का मौसम है आप कपड़े रखे हो धुल के थोड़ा स्मेल आ रहा है, वो कपड़े आप अगर आपको फिर से रिफ्रेश करना हो तो इसके अंदर डाल के रिफ्रेश कर सकते हो, 25 मिनट का टाइम है, वो 1 से 2 कपड़े इसके अंदर रिफ्रेश कर सकते हो, कपड़े ड्राई नहीं होगा इसके अंदर। इसके बाद आ जाते हैं स्पिन ड्रायर रिंग्स, अब इसके अंदर क्या क्या कर सकते हो, कपड़े सुखा डायरेक्ट सुखाना तो डायरेक्ट सुखा सकते हो, ठीक है। अगर इसके अंदर रिंग्स करना हो, रिंग्स मतलब कपड़े को खंगालना हो, तो आपको रिंग्स से आपको सिलेक्ट करना रहेगा, तो आपको डायरेक्ट करोगे तो इसमें सिर्फ कपड़े सुखाएगा, ठीक। और ये आता है क्रेडल वॉश, क्रेडल वॉश में वर्क वाले कपड़े होते हैं, वर्क वाले मतलब स्टोन वाले डायमंड वाले, सेविंग वाले पर्दे हो गया, सोफा के कवर हो गया, जूते वगैरह वॉश करना हो तो इसके अंदर क्रेडल वॉश में 2 kg जितने कपड़े आप ऐड कर सकते हो, ये टोटल आपका 30 डिग्री गर्म पानी इसके अंदर देगा, ठीक है। तो मतलब इसमें 400 RPM की स्पीड होता है, 45 मिनट टोटल मशीन चलेगा इसके अंदर। ये आता है बल्किंग वाले कपड़े के लिए, ठीक है, जैसे कम्बल वगैरह हो गया तो इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। वैसे इसके अंदर भी 40 डिग्री गर्म पानी आएगा, 800 RPM की स्पीड में चलता है स्पिन टाइम में, बाकी के 1 घंटे 19 मिनट चलेगा मशीन, 2 kg कपड़े इसके अंदर ऐड होगा। ये आता है एक्सप्रेस 15 मिनट का प्रोग्राम देता है, नॉर्मल गंदे कपड़ों के लिए जल्दी जल्दी वॉश करना हो
इसके अंदर नॉर्मल गंदे कपड़े आप तो वाश कर सकते हो, जैसे पसीने वाले कपड़े हो 15 मिनट में वाश करके दे देगा, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे देखिए डिस्प्ले के नीचे अलग सा ऑप्शन दिया है सर, स्ट्राइक करना हो तो करिएगा, नहीं तो ऑलरेडी इसके अंदर सब इंक्लूड रहता है। जैसे अभी यहाँ टेम्परेचर दिया, मान लो मैं आपका एक रेगुलर का प्रोग्राम कॉटन चलेगा आपका, ठीक है। अब इसमें 9 किलो कॉटन में चलता, 9 किलो कपड़े आ ही जाएगा, तो आपका रोज का प्रोग्राम यही रहेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर इसके अंदर कॉटन में आपका 40 डिग्री है, ऑलरेडी कंपनी सेट करके दी, हिसाब से माइनस कर सकते हो, ठीक। इसके बाद आता है यहाँ पे दिया स्पिन एक्स्ट्रा रिंग्स, आपको क्या करना है पहले स्पिन पर लाना है। एक्स्ट्रा रिंग्स मतलब अगर इसके अंदर स्पिन और कपड़े खंगालना है और सुखाना भी है तो इसके अंदर आपको रिंग्स लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना रिंग्स है, दो रिंग्स। अब यहाँ पे स्टार्ट करोगे ना, दो रिंग्स में आपका टाइमिंग बताएगा 36 मिनट। इसके अंदर पानी भी लेगा और ड्रायर भी करेगा। अगर डायरेक्ट आप करोगे तो इसके अंदर सिर्फ कपड़े ही सुखाएगा, देखो 22 मिनट में सिर्फ कपड़े ही सुखाएगा। अब यहाँ से सिलेक्ट करोगे एक्स्ट्रा रिंग्स लिखा है, देखो यहाँ से एक्स्ट्रा रिंग यहाँ पर प्रेस करना है आपको ऐसे 3 सेकंड के लिए। अब एक रिंग्स आ गया, दो रिंग्स इसके अंदर है तो इसके अंदर भी खंगाल भी सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है स्टीम लेना हो, जैसे अभी आपकी मशीन स्टीम वाला है, अब स्टीम इंक्लूड करना हो तो इधर से आपको स्टीम लेना रहेगा। देखो ये स्टीम का असेंबल आ गया, ये वाला जो छतरी जैसा है, ये स्टीम अभी निकल गया, अभी स्टीम ले रहा है तो स्टीम सेलेक्ट हो गया। स्टीम लोगे तो इधर टाइमिंग प्लस हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए कॉटन के अंदर में टाइमिंग कितना है, देखो इसके अंदर 1 घंटे 58 मिनट का टाइमिंग बता रहा है, ठीक है। इधर अब टाइमिंग को आपको थोड़ा, जैसे नॉर्मल कपड़े रहते हैं, नॉर्मल गंदे कपड़े जल्दी से वाश करना हो तो आपको टाइम कम करना हो ना, तो इधर एक बार टाइम सेवर कर देना। देखिए कितना हुआ, 1.5 घंटे को 1 घंटे 50 मिनट समथिंग आ गया टाइम, ठीक है। तो 8-9 मिनट आपका टाइम सेव हो गया। फिर आता है वार्म सोक का मतलब ये होता है, जैसे आपको कपड़े इसके अंदर भिगो के रखना है, जैसे टब में आप कपड़े भिगो के रखते हैं, ठीक है। आप सोक सेलेक्ट करोगे, इसके बाद इसमें क्या होगा कि कुछ टाइम मशीन चलेगा, इसके बाद यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा और कपड़े को वो भिगो के रखेगा, ठीक है। इसके बाद ये स्टार्ट का बटन है, यहाँ पे देखिए स्टार्ट यहाँ पे दिया है, ठीक है। प्ले का बटन है, आपको क्या करना है कपड़े के हिसाब से प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, ठीक। कोई भी कपड़े हो, कपड़े के साथ प्रोग्राम सेलेक्ट करना है आपको, ऑप्शन में कोई भी चीज़ लेना हो ले लीजिए, नहीं लेना है तो डायरेक्ट प्रोग्राम सेट करके यहाँ से स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट का बटन यहाँ पे एक बार यहाँ प्रेस करोगे, टच है पूरा डिस्प्ले टच है, आपको यहाँ से स्टार्ट कर देना है ऑटोमेटिकली। अब इसके अंदर आप कपड़े लिक्विड डालने के बाद आपको यहाँ पे लिक्विड डाला जाता है, देखिए अभी यहाँ पे 3 चैम्बर दिया है, ये आ गया मेन वॉश, ये आ गया आपका कम्फर्ट शॉपनर, और ये आता है प्री वॉश का मतलब होता है ज़्यादा गंदे कपड़े हो ना, थोड़ा लिक्विड इधर डालने का और थोड़ा इधर डालने का। अगर नॉर्मल गंदे रेगुलर वाले कपड़े हो तो यहाँ पे ही डालने का लिक्विड एक ही साइड में, बीच में कम्फर्ट शॉपनर डिटोल वगैरह करना हो तो डाल देने का, वो भी साथ में, ठीक है। ज़रूरत पड़ेगा वो ऑटोमेटिक इसको जब जरूरत पड़ेगा ले लेगा ऑटोमेटिक, ठीक है। फिर आप कपड़े लिक्विड डालने के बाद यहाँ से आपको पावर करके स्टार्ट करना रहेगा, प्रोग्राम सेलेक्ट करके, बाकी का कुछ करना नहीं है। और यहाँ पे एक साफ सफाई करने के लिए फिल्टर दिया, देखो इसको ओपन करना है। यहाँ पे जैसे बाई चांस कॉइन्स पिन चाबी वगैरह चला गया है कपड़े के साथ में तो आपको इधर मिल जाए, साफ सफाई कर देना, महीने में 2 से 3 बार क्लीन कर देना इसको, ठीक है। देखो ये फिल्टर आता है, कचरा वचरा इसमें लगा रहता है, इसके अंदर भी कपड़े से डाल के साफ कर देना, कपड़े डाल के अच्छे से फिर इसको फिट कर देना अच्छी तरह से, नहीं तो पानी लीकेज करेगा। इसके अलावा आपको कुछ करना नहीं रहेगा, सिर्फ कपड़े डाल के आप वॉश करें रेगुलर, इसमें ही